फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एरा मॉम नूतन के अनुभव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बना रही हूँ अदरक और लहसुन का पाउडर। लहसुन है और आधा किलो अदरक है। अदरक तो छीलना आसान है, लहसुन छीलना मुश्किल है। तो इस लहसुन मार्केट से आया, उसके बाद मैं इसको फ्रीज में रख दी थी। एक सप्ताह से ये फ्रीज में था। लेंगे और इसको हम छीलेंगे, से सबको अलग अलग कर लेंगे। फ्रीज में रख देने से लहसुन बहुत जल्दी से छील जाता है, और 5 मिनट में तो नहीं छीलेगा। कम से कम इतना लहसुन छीलने के लिए 1 घंटा जरूर लगे। इसको गार्ड से छुड़ाने में हमको 20 मिनट लगा। ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से इसको हम हाथ से मसल देंगे। लहसुन को हम पानी में रख के अच्छे से मसल देंगे तो ये जल्दी से छील जाएगा। ये देखिए, लहसुन मेरा छिला गया पूरा। अदरक को मैं अच्छे से छील ली हूँ और धो ली हूँ। इस अदरक को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, ऐसे एकदम छोटा छोटा मैं अच्छे से फाइन कट कर ली हूँ। इस लहसुन को छीलने में हमें 2 घंटे लगे हैं। इसको मैं इसमें डालूँगी और चला लूँगी एकदम फाइन टुकड़ा। ये देखिए, लहसुन और अदरक को हमने भेज कटर में कट कर लिए हैं। अब इसको मैं धूप में डाल दूँगी। ये देखिए, ये लहसुन अच्छी तरह से सूख गया है, एकदम से आवाज़ कर रहा है खन खन। और ये अदरक भी अच्छी तरह से सूख गया है। अब इन लोगों को हम मिक्सी में पीस के और पाउडर बना लेंगे। दोनों को सूखने में 3 दिन लग गया है। मेरी लहसुन पीस गई है, इसका ब्लैक पाउडर बन गया। इसको हम ठंडा करके और जार में डाल लेंगे। लहसुन पीसते वक्त ध्यान रखना है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और ज़्यादा देर तक जार को नहीं चलाएंगे। अगर ज़्यादा देर तक मिक्सी चला दिए तो वो उसी में जम के ब्लेड में पकड़ लेगा, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा देर ही मिक्सी चलाना है। ये अदरक का पाउडर है, अदरक भी पीस गई है। और अदरक पीसने में कोई दिक्कत नहीं है, अदरक को एक बार भी जार में डाल करके पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो हमारी मिक्सी सही रहेगी। ये लहसुन की पाउडर बन गई है। इसको पीसते वक्त हम थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे। अगर एक ही बार में ज़्यादा डाल दिए और एक ज़्यादा देर तक चला दिए तो ये जम के ब्लेड में पकड़ लेगा। ये देखिए, दोनों, ये लहसुन है, ये अदरक है, हम जार में भर के रख लिए हैं। अब इसको हम जितना दिन तक हो सके उतना दिन तक हम रख सकते हैं।